देखिए बात यह है, असल बात जो मैं बार बार कह रहा हूं ना वो ये है कि जो बुनियादी मामला है ना, बुनियादी मामला उसको छोड़ के, यानी मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये पीएसएल फाइनल होगा नहीं होगा लाहौर में? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि एक दो रोज में इस पर कोई अहम, यानी फाइनल के बाद ऐलान होगा? फाइनल अब एक हफ्ते में नहीं, एक हफ्ते में एक्सपेक्टेड है नहीं, तो फाइनल मैच होने के बाद ऐलान करेंगे कि लाहौर में होना था? भाई फाइन देखें, बात यह है कि वो नजम सेठी साहब ने वहां से ऐलान कर दिया, उधर ब्लास्ट हुआ उधर ऐलान कर दिया उन्होंने जी, ठीक है, मतलब उन्होंने किसी से पूछा? शहबाज शरीफ साहब नाराज बैठे हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी अदारे करेंगे ना, सिक्योरिटी कुछ शहबाज शरीफ साहब करेंगे जाके सिक्योरिटी वहां पे, या कोई बाकी लोग करेंगे जो पुलिस वाले तो शहीद हुए, वो वहां से ऐलान कर दिया जी। दूसरी बात मुझे एक ये समझ नहीं आती, यानी मैं सोच रहा हूं इस पर कि ये क्या पंजाब में हो क्या रहा है, यानी सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है इस ये जो फ्रंट लाइन के तौर पर किसी सूबे ने, तो खैबर पख्तूनख्वा है जी। खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है और आप उसमें जो पिछले कई सालों के दौरान वहां पे हुआ है दहशतगर्दी हुई है फाटा में पिशावर में, और सियासी नजरियात को आप साइड पे रखें, जिस तरह आगे एएनपी के सियासी नजरियात आपको अच्छे लगे, जिस तरह मियां इफ्तिखार साहब, बशीर बलोर साहब, बाकी लोग बाहर निकल निकल के आते रहे हैं, बाकी और भी लोग, उनके सिक्योरिटी के फोर्सेस के लोग, उनके शहरी आम शहरी, यानी आपने अगर पीएसएल का फाइनल करवाना है भाई साहब तो आप पिशावर में क्यों नहीं करवा रहे, जहां पर इतने धमाके हुए हैं, इतनी लोगों ने जाने दिए हैं, आप एक धमाका हुआ, एक अफसोसनाक वाक्य पेश आया, एक तो दूसरा हुआ ना जिसका सर पैर ही नहीं पता कर रहा, सिलेंडर फटा था, फटे थे क्या था वो बात ही नहीं कर रहे, वो क्या था अभी तक पता समझ नहीं आया किसी को, क्यों फटे थे क्या था वो, एक पुरस्कार धमाका हुआ दोबारा जिसमें जाने चली गई, वो क्या था अभी तक उसमें कोई, हाँ उसमें तफ्तीश हो रही है अभी तक। अब मसला ये कि पहला जो ब्लास्ट था वो ब्लास्ट के बाद आपने एकदम से कि जी कदाफी स्टेडियम में होगा, वजीर आजम चाहते हैं, वजीर आजम भी चाहते हैं, नजम सेठी भी चाहते हैं, शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, वो भाई पिशावर में नहीं होना चाहिए, कराची में जहां हजारों लाशें गिरी हैं और जहां पर, यानी जो एक अगर आप मुझसे पूछे कि रोल मॉडल कौन से दो जगहों पे कामयाबी हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ, तो एक बड़ी हद तक, बहुत बड़ी हद तक खैबर पख्तूनख्वा, ये फाटा के इलाके और कराची और क्वेटा। अच्छा अब एक ब्लास्ट हुआ, अफसोसनाक ब्लास्ट हुआ, अचानक होगा वहां पे होगा, वजीर आजम चाहते हैं, शहबाज शरीफ चाहते हैं, नजम सेठी चाहते हैं, कराची हो सकती है, नहीं नहीं कहीं, मैं ये नहीं होना चाहिए बराबर वो पाकिस्तान में, तो फिर सारे मैच होने चाहिए, मैं ये बात ही नहीं कह रहा, और साथ ही वहां पंफलेट बांटने शुरू कर दिए किसी ने, वो बीच में जो मैं कल भी कह रहा था कि ताकि तकसीम हो, और साथ ही देखे ना सारा खेल पूरे पिक्चर देखें, साथ ही एमकेएम के जो कायद हैं लंदन में वो कह रहे हैं अफगानिया सूबा बनेगा, वो ही बात कर रहे हैं जो बात अचकजई साहब कर रहे हैं, अब पता नहीं अचकजई साहब की क्या एक टेलीपैथिक उनके साथ रब्ता है, वो उधर से कह रहे हैं अफगानिया सूबा बनेगा, वो कह रहे हैं अफगानी सूबा बनेगा, वो कह रहे हैं, यानी एमकेएम की वानी का क्या ताल्लुक है ड्यूरेंट लाइन से, वो कहते हैं मैं नहीं मानता ड्यूरेंट लाइन को, वो उधर से कह रहे हैं आसफंदियार साहब, उनकी तो खैर पुरानी बात, मतलब एक पूरे सिनेरियो में लगता है एक अजीब व गरीब किस्म का एक जो है ना सियासतदानों ने स्यापा डाल दी है, और हमारे हुक्मरानों ने स्यापा डाल दी, कंफ्यूजन है असल में, कंफ्यूजन जो है ना वो ये है कि हमारा क्या होगा, असल सवाल है कि हमारा क्या बनेगा।